और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, लापरवाही के चलते गैस रिसाव का मामला प्रकाश में आया है। ऊना से, ऊना के अजोली मोड़ पर टली है बड़ी घटना। पीएसआई फैक्ट्री में क्लोरीन गैस लीक हुई और फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने का मामला प्रकाश में आ रहा है। बताना चाहेंगे कि गैस लीक होने से 20 बच्चे बेहोश हो गए, वहीं स्कूल बिल्डिंग को इसके बाद खाली कराया गया। तो स्कूल बिल्डिंग खाली करा दी गई है और गैस लीक होने से 20 बच्चे बेहोश हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ऊना के अजोली मोड़ पर फिलहाल ये बड़ी घटना टलती हुई और पीएसआई फैक्ट्री में क्लोरीन गैस लीक हो जाने से ये बड़ा मामला प्रकाश में आ रहा है। फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हुई थी जिसके बाद 20 बच्चों के बेहोश होने की खबर है और गैस लीक होने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये गैस लीक हुई उसके बाद 20 बच्चे बेहोश हो गए और एक बड़ा हादसा होते हुए फिर टल गया, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था और लापरवाही के चलते गैस रिसाव का ये मामला सामने आया है। तो बताना चाहेंगे कि एक बड़ी घटना जरूर टल गई, लेकिन जिस तरह से 20 बच्चे बेहोश हो गए अमोनिया गैस लीक होने से, इसमें वाकई में कहा जा सकता है कि यह बड़ी लापरवाही है। फिलहाल इस लापरवाही के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और गैस रिसाव के चलते 20 बच्चों के बेहोश हो जाने की बड़ी खबर आ रही है सामने। और ऊना से पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो पंकज, अमोनिया गैस लीक रिसाव का मामला प्रकाश में आया है, 20 बच्चे बेहोश हो गए, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटनाक्रम घटा है ये ऊना के साथ लगते पंजाब बॉर्डर पर घटा है। सुबह 8:30 बजे की बात बताई जा रही है। हालांकि दोनों जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एनएफएल है चाहे वो पीएसीएल है, दोनों ही इस घटनाक्रम से अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी उनका ऑफिसर जो है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कैमरे के आगे बयान देने को तैयार नहीं है। इस मौके पर जो है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौके पर पहुंचे थे और साथ में डीसी रोपड़, एसपी रोपड़, ये भी प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंचा था और बच्चों को, जो स्कूल साथ लगते स्कूल में बच्चे उस वक्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, उनको आनंद फानंद में लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। लगभग 20 से 25 बच्चे जो है वो मौके पर बेहोश जो है वो हो गए थे। बिल्कुल पंकज, तो क्या इसका कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? क्या कुछ कहना प्रशासनिक अधिकारियों का पूरे मामले में? देखिए, अभी तक तो जांच की बात ही सामने जो है वो आ रही है, लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो वो दोनों कंपनियों के जो अधिकारी हैं वो दोनों ये कह रहे हैं कि ये जो गैस लीक हुई है ये हमारे प्लांट से लीक नहीं हुई, एंड तक यही बयान जो है वो उनका है। पर लेकिन कैमरे से के सामने आने से ये लोग बच रहे हैं। वहीं हरजोत सिंह बैंस जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर संज्ञान लेते हुए जांच की बात जो है वो कही है। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली थी कि जिन बच्चों ने पानी पी लिया था, जिन बच्चों ने गैस से बचने के लिए पानी पिया था, वो बच्चे बेहोश हुए हैं। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊना से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर सामने आ रही है और 20 बच्चे बेहोश भी हो गए।